तालिबान की सरकार ने ईरान के चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए भारत को मिलने का जोरदार तरीके से स्वागत किया है। तालिबान ने कहा कि अब उसे विकल्प मिल जाएगा और उसकी पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर से निर्भरता कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, तालिबान ने भारत के कदम का खुलकर समर्थन किया। तालिबान के स्पोक्स पर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद जो है, उन्होंने चाबहार पोर्ट की हमायत कर दी है और अफगान तालिबान कहते हैं कि अफगानिस्तान के लिए चाबहार पोर्ट जो है वो एक अल्टरनेटिव है जो पाकिस्तान की कराची की पोर्ट है। और तालिबान ने इसको वेलकम करा है। पाकिस्तान तो परेशान हो गया इस चीज को लेकर, लेकिन तालिबान ने इसको वेलकम करा और तालिबान ने बोला कि ठीक है यार, ये हमारी वेलफेयर के लिए है। लेकिन इंडिया भी हर मौके पर साथ दे रहा है अफगानिस्तान का। ट्रेड देखें आप, किसी भी किस्म के गंदम की जरूरत हो, गंदम, ये जो जिलजिला आया था, कंटेनर भर भर के इमदादी सामान मोदी भेजी जा रहा है। कहीं ये, कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि अफगानिस्तान को इंडिया प्रॉपरली अपने साइड पर ले रहा है। अब चाबहार पोर्ट जो है वो जारी बात है एक एज एन अल्टरनेट रूट के तौर पे सामने आया और अफगानिस्तान की जो डिपेंडेंस है पाकिस्तान के ऊपर वो कम हो गई। अगर आपको याद हो, ये तो एक और इंडिया जो है वो अफगानिस्तान तक आउटरीच कर रहा है। तालिबान का इंडिया की तरफ झुकाव, जिसके तहत उन्होंने अपने मुल्क को आगे बढ़ाया है। जैसे दूसरे मुल्क तरक्की कर रहे हैं, वो बिल्कुल वैसे नहीं सोच रहे कि कैसे हम तरक्की कर सकते हैं। और तालिबान का वेलकम करने के बाद पाकिस्तान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तालिबान ऐसा क्यों कर रहा है। पर तालिबान ने बोला यार, हमारे मुल्क के लिए जो अच्छा हम तो वो करेंगे, हम पाकिस्तान के लिए थोड़ा ना काम करेंगे। अफगानिस्तान ने अपने आप को ओपन अप कर लिया और वो जो पाकिस्तान के ऊपर उनकी डिपेंडेंस होती थी, उस डिपेंडेंस को उन्होंने खत्म कर दिया कम्प्लीटली और वो समझते हैं कि हमारा अब इनसे उस तरह की कोई चीज़ लेन देन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी टफ जो रिस्ट्रिक्शन थी वो अफगानिस्तान के ऊपर लगाई। जी दोस्तों, बगैर मेरे इधर जाने से पहले मैं बता दूं कि ये जो तालिबान है, ये जो आजकल बड़े ख़तरनाक स्टेटमेंट दे रहे हैं और एंटी पाकिस्तान ये तालिबान अपनी क्या कहते हैं मूवमेंट जारी रखे हुए हैं। तो चलो आप पहले वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। बड़ी अमेजिंग वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तालिबान के स्पोक्स पर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद जो है, उन्होंने चाबहार पोर्ट की हमायत कर दी है और अफगान तालिबान कहते हैं कि अफगानिस्तान के लिए चाबहार पोर्ट जो है वो एक अल्टरनेटिव है जो पाकिस्तान की कराची की पोर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान की जो कराची पोर्ट है वहाँ से सारी ट्रेड आती थी अफगानिस्तान में जाती है और पाकिस्तान उनसे कोई लंबा चौड़ा चार्ज नहीं करता रहा माजी में, लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान ने बड़ी हैवी ड्यूटीज लगा दी। वो पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान बड़ा हैवीली रिलाई करता रहा है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से। अब चाबहार पोर्ट जो है वो जारी बात है एक एज एन अल्टरनेट रूट के तौर पर सामने आया और अफगानिस्तान की जो डिपेंडेंस है पाकिस्तान के ऊपर वो कम हो गई। अगर आपको याद हो, ये तो एक और इंडिया जो है वो अफगानिस्तान तक आउटरीच कर रहा है। अफगानिस्तान ने अपने आप को ओपन अप कर लिया और अब वो क्या करते हैं कि उन्होंने अपने आप को दुनिया के सामने एक ओपन कर दिया है, इंडिया के हवाले से ओपन कर दिया है, ईरान के हवाले से ओपन कर दिया है और वो जो पाकिस्तान के ऊपर उनकी डिपेंडेंस होती थी, उस डिपेंडेंस को उन्होंने ख़त्म कर दिया कम्प्लीटली और वो समझते हैं कि हमारा अब इनसे उस तरह की कोई चीज़ लेन देन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी टफ जो रिस्ट्रिक्शन थी वो अफगानिस्तान के ऊपर लगाई हैं, क्योंकि अफगानिस्तान मुसलसल TTP को होस्ट कर रहा है। अब एक वक्त ये था कि अफगान तालिबान जो थे, जब वो अपोजिशन में थे और लड़ रहे थे अमरीकी इत्तेहादी फौजों से और अफगानिस्तान की अफगान नेशनल आर्मी से, तो इंडिया कहता था दैट द अफगानिस्तान सॉयल मस्ट नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट इंडिया। आज पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो किसी मुल्क और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के खिलाफ तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सो पाकिस्तान माइनस होता जा रहा है, पाकिस्तान स्टेप बाय स्टेप उसकी पोजीशन कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि अफगान तालिबान जो हैं उन्होंने एक चीज़ का फैसला किया और वो ये फैसला किया है कि हम सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करेंगे TTP का, जो कि एक दहशतगर्द जमात है। वो कहते हैं कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, हम पाकिस्तान को नहीं करेंगे। सिंपल सी उन्होंने तो फार्मूला तय कर लिया। अब मोदी साहब जो हैं और मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है, डॉक्टर जयशंकर एज ए फॉरेन मिनिस्टर, दे आर कोजिंग अप विद द अफगान तालिबान, बड़ा लंबा चौड़ा। आपको याद होगा कि $2-3 अरब की इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, इंडिया ने अपना एक जो सॉफ्ट इमेज है वो इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो इंडिया जो है वो जो दाइश है, जो इस्लामिक स्टेट है, उसकी पेनिट्रेशन इंडिया में भी देखता है। सो वो चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ काउंटर टेररिज्म के ताल्लुक भी हो। सो काउंटर टेररिज्म भी हो चाहिए, ताकि लश्कर ए तैयबा या उसकी वो बाकियात अफगानिस्तान को एज ए लॉन्चिंग पैड ना इस्तेमाल करें, इस्लामिक स्टेट को भी रोका जाए और जो ट्रांसनेशनल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे बैठी हुई हैं विच आर रिलेटेड टू सेंट्रल एशिया, उनको भी देखें और उसके साथ साथ अफगानिस्तान को ऐसे इकोनॉमिक इंसेंटिव दें कि उनको पाकिस्तान और कराची से ज़्यादा तेहरान अच्छा लगना शुरू हो जाए, ईरान अच्छा लगना शुरू हो जाए।
ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है इस सेंस में, याद रखिएगा। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की बजाय अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर और भारत की बातों की अहमियत देता है, क्योंकि ये ममालिक ज़्यादा करीब हैं, बिकॉज दीज कंट्रीज हैव सो मच टू ऑफर टू देम। पाकिस्तान के ऊपर तालिबान ने इसको वेलकम करा है, पाकिस्तान तो परेशान हो गया इस चीज़ को लेकर, लेकिन तालिबान ने इसको वेलकम करा और तालिबान ने बोला कि ठीक है यार, ये हमारी वेलफेयर के लिए है, हमारे भलाई के लिए है, अफगानिस्तान में पीस के लिए है, भारत ये कदम उठा रहा है, और इसको तालिबान ने वेलकम करा है। और तालिबान का वेलकम करने के बाद पाकिस्तान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तालिबान ऐसा क्यों कर रहा है। पर तालिबान ने बोला यार, हमारे मुल्क के लिए जो अच्छा हम तो वो करेंगे, हम पाकिस्तान के लिए थोड़ा ना काम करेंगे। और ये भी सुनने में आता है कि बहुत ज़्यादा अफगानी, तकरीबन शायद कोई 30-32 हज़ार अफगानी जो हैं वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं, और ये एक बड़ा नंबर है, ठीक है जी, ये कोई छोटा नंबर नहीं है 30-32 हज़ार। पाकिस्तान में तो खैर लाखों की तादाद में है, उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान हमारा घर है, और लीगल इलीगल जैसे उनका दिल करता है वो उन्होंने एक किया है। आपको याद होगा कि जब जेपी सिंह साहब गए थे तो जो चीज़ें सामने आ रही थी उनमें से एक चीज़ तो ठीक है, इंडिया जो है वो समझता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो मिनरल वेल्थ है जिस पर सिर्फ और सिर्फ चीन जो है वो ना कहीं कब्जा कर ले, तो वो भी एक चीज़ है। इंडिया के लिए जो असल चीज़ है वो सेंट्रल एशिया इम्पॉर्टेंट है, इट्स नॉट जस्ट अफगानिस्तान, बीच में रुकावट थी पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान को साफ कर दिया, साइडलाइन कर दिया। अफगान तालिबान जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं आमर खान मुत्तकी, वो पहले ही बड़े तंग हैं पाकिस्तान से, वो कहते हैं जनाब ये तो देखें ना हमें धमकियाँ देते हैं, इन्होंने अफगानियों को निकाल दिया, लेकिन उनको इस चीज़ का नहीं पता कि पाकिस्तान ये स्टेप क्यों ले रहा है। जब अफगान तालिबान ने ये फैसला कर लिया है कि हम TTP को सपोर्ट करेंगे, हम एक दहशतगर्द जमात को सपोर्ट करेंगे या एक ऐसी जमात को सपोर्ट करेंगे जिनके साथ मिलके वो वेस्टर्न ताकतों के साथ लड़ते रहे, और वो कहते हैं जी अगर वो पाकिस्तान पे हमले करते रहे तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, तो पाकिस्तान क्या करे? क्या पाकिस्तान ब्लैकमेल होता रहे अफगान तालिबान से और TTP से, या कि पाकिस्तान अपने एक्शन? जी दोस्तों, हमने वीडियो देखी, वीडियो में हमने देखा जी तालिबान इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हम पे बड़ा एहसान किया, आप आने वाले वक्त में हमारी पाकिस्तान से जान छुड़ा देंगे, और जो जितना जो कराची पोर्ट पे जितना उनका निर्भर है तालिबान का ट्रेड अफगानिस्तान का, तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, और उसको चाबहार पोर्ट ईरान की पोर्ट पर ले जाएंगे। तो लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान एक तरफ जो अपने एहसान गिनवाते हुए नहीं थकता कि पाकिस्तान के कितने एहसान हैं तालिबान पे, क्योंकि पाकिस्तान की जब भी हमारे मीडिया पे भी देखेंगे तो वो कहेंगे लो जी हम पाकिस्तान के इतने एहसान हैं तालिबान पे, अफगानिस्तान पे इतने एहसान हैं, और पाकिस्तान और एक तरफ वो जो अफगानिस्तान की जितनी आवाम है वो नस्बत के पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करें कि भई आपने हमें जंग के हालात में आपने हमें पनाह दी, हम आपके देश में रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये जो राशिद खान हैं, ये जितने भी क्रिकेटर हैं, ये पाकिस्तान से क्रिकेट खेल के इनको खेलना है ये क्रिकेट, पहले तो अफगानिस्तान में क्रिकेट का नाम निशान नहीं था, तो आज क्रिकेट की जितनी भी इम्प्रूवमेंट हुई है अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान की वजह से हुई है, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट ही पाकिस्तान से किया। लेकिन आज के वक्त में बाकी जो कुछ भी है कि हम ये कहें कि भाई तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब आज के वक्त में इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है इंडिया ने अफगानिस्तान में, जिसकी वजह से जो अफगानिस्तान की अवाम है वो इंडिया को सपोर्ट करती है, इंडिया को लाइक करती है। तो इसके लिए अब यह है कि अब ये जो अफगानिस्तान है वो एंटी पाकिस्तान स्टेट बन रही है वक्त के साथ साथ, तो पाकिस्तान को इस बारे में सोचना चाहिए, और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए कि भाई जैसे आप पाकिस्तान का पाँचवा सूबा होते हैं, भाई हमें उसको एक अपना नेबर कंट्री मानते हुए उसको बराबरी की बुनियाद पे उसके हकूक अदा करने चाहिए, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छे होंगे। तो बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।